आग प्रभावित धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का विकल्प तैयार करने की दिशा में रेलवे ने फिर से कदम बढ़ा दिए हैं। यात्रियों के लिए असुरक्षित बताते हुए डीसी रेल लाइन को 15 जून 2017 को ही अचानक बंद कर दिया गया था। बाद में राजनीतिक आंदोलन और जन दबाव के कारण फिर से रेल परिचालन शुरू किया गया। रेल लाइन बंद होने के दौरान ही मतारी तेलो होकर डीसी रेल लाइन का विकल्प तैयार करने का निर्णय हुआ था। हालांकि धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन चालू होने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब एक बार फिर से ये योजना को लेकर रेलवे के अधिकारी रेस हैं। इसके पीछे डीसी लाइन पर बढ़ते खतरे को कारण माना जा रहा है। सुखी राजकुमार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ इस मामले पर। राजकुमार, जिस तरह से भूधसान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं झरिया में या धनबाद की हम बात करें, उस बीच में ये जो रेल रूट है ये कितना असुरक्षित अब है, क्योंकि फिर से अब इसके विकल्प तैयार करने के लिए अधिकारी रेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशिया, जिस तरह से धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद किया गया था और यह कहा गया था कि अग्नि प्रभावित यह जो रेल लाइन है या जो इसका जो ट्रैक है इसके नीचे आग धधक रही है और लंबे समय तक बंद रही, 26 जोड़ी ट्रेनें छीन ली गई थी इससे, और कुछ दिन के बाद जब कुछ महीने जब ट्रेन सेवाएं बंद रही उसके बाद लंबा आंदोलन देखने को मिला और फिर से एक बार जो इसी रूट के अल्टरनेट एक नई रूट तैयार करने की बात की जा रही है। और कुछ साल पहले भी इसका एक रूट चार्ट तैयार किया गया था जिस पर रेलवे ने काम करना शुरू किया था, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि इसका रूट चार्ट तैयार होता है, इसके लिए योजनाएं बनाई जाती है, डीपीआर तैयार होता है और बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। बहरहाल कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और अभी हम धनबाद रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं और आपको बता दें कि कई ट्रेनें जो अब भी, चूंकि अब पूजा होने वाली है, कुछ समय के बाद में दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर भीड़ देखने को मिलेगी, दुर्गा पूजा में भी भीड़ देखने को मिलती है, छठ पूजा में भी भीड़ देखने को मिलती है, तो लोगों को अपने गांव जाने की जल्दीबाजी होती है किसी भी तरह से, चूंकि इस बार ट्रेनें नहीं चल रही है, गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन हो, चाहे वो मौर्य एक्सप्रेस हो, पटना जनशताब्दी हो जो रांची से चलती है, तमाम ट्रेनें अभी बंद पड़ी हुई है, तो यात्रियों में इस बात की कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि कब ट्रेनें चालू होंगी, कब वो अपने गांव जा पाएंगे। बहरहाल अभी जो हम एक बार फिर से यहां का नजारा आपको हम दिखाना चाहेंगे कि पूर्वा एक्सप्रेस यहां पर आने वाली है, हावड़ा से दिल्ली जाएगी और ये हमारे जो ये यात्री जो है वो अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगे हुए हैं और जो रेलवे के अधिकारी हैं, आरपीएफ के जो कर्मी हैं, वो अब यात्रियों को यहाँ से अंदर ले जाने के लिए उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। साथ में जो ये जो एंट्रेंस द्वार की तरफ हम अपने सहयोगी से कहें कि आपको एक बार नजर डालें, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस द्वार पे जो यात्री भी यहाँ से धनबाद से दूसरे राज्यों में जाएंगे उनका कोरोना टेस्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, खासकर हावड़ा से जो लोग पूर्वा से यहाँ धनबाद आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए तमाम जो कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है, उन्हें यहाँ पर ले आया गया है। और हम अगर इस तरह से कोरोना काल में ट्रेनों के संचालन की अगर बात करते हैं तो हम जो कूली है उन्हें हम कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते हैं, उनका भी रोजी रोटी जो है पूरी तरह से इस कोरोना काल में खत्म हो गया है, तो कूलियों की क्या स्थिति है इस पर भी बात करना बनता है, तो कैसे इनकी स्थिति में सुधार हो इस पर भी हम बात करते हैं। अब बताइए भैया, क्या स्थिति है अभी आप लोगों की जब से कोरोना संक्रमण काल हुआ है? हम लोग का सर स्थिति बहुत दयनीय है सर, हम लोग जब से ट्रेन बंद पड़ी है जब से सर हम लोग बाल बच्चा परिवार दुनिया संसार सब हम लोग का एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका, इसलिए सर जितना जल्द से जल्द ट्रेन चलाने का कृपा कीजिए सर। और हम लोग के सर तो डीआरएम साहब से भी कमी हुई तो आप लोगों ने तो घेराव भी किया था डीआरएम का, डीआरएम साहब को घेराव भी किए दो बार किए, डीआरएम साहब ने हम लोग को कोई जवाब नहीं दिए, केवल बोले कि ठीक है सोचेंगे, सोचते सोचते आज तक ना सर इतना समय बीत चुकी अब कुछ नहीं हम लोग को बोले सर, हम लोग निराश पड़े हैं, हम लोग भूखे कगार पर हैं सर, बाल बच्चे परिवार सब एकदम बेरोजगार पड़े हैं सर एकदम। आप बताइए कितने की संख्या में आप लोगों की है, कुल कुलियों की संख्या कितनी? अभी 100 हैं जी। सभी लोगों के परिवार पे आफत है? हाँ सर है, तो परिवार के लिए बाल बच्चे पर परिवार सबका तो पेट बंदे रोजी रोजगार सर बंद है तो आफत तो है सर। डीसी लाइन जब इफेक्टेड हुआ था उस वक्त आप लोगों को कितना नुकसान हुआ था? हाँ उन्हें नुकसान हुआ था सर 50% लोग। बिल्कुल आसिया, तो जब डीसी रेलवे लाइन बंद हुई थी तो जो कूली थे और जो अन्य यात्री थे उनको काफी नुकसान हुआ था और एक बार फिर से कोरोना काल में ट्रेनों के नहीं चलने की वजह से इनके रोजी रोटी पर आफत आई हुई है
और एक बार फिर से जब ट्रेनें शुरू होने की कवायद शुरू हो रही है, जैसे कि पटना जन शताब्दी जो है पूर्व रेलवे ने इसे शुरू करने की बात कही है, जल्द इसकी शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो धनबाद से पटना तक जाती है, इसके अलावा ब्लैक डायमंड जो धनबाद से हावड़ा को जाती है, इन तमाम ट्रेनों के शुरू होने से न सिर्फ रेलवे का आय बढ़ेगा बल्कि इसी कोरोना संक्रमण काल में लोगों को आवागमन में जो परेशानी हो रही है उसमें भी बहुत हद तक राहत मिलेगी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में आसानी होगी। सरकार धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ा रही है। रेलवे ने भी कई ट्रेनों को चलाने का जो निर्देश है वो जारी करने की बात कही है और इसके लिए ट्रैक को तैयार रखने की बात कही गई है। तो अगर ट्रैक तैयार होंगे और तमाम जो ट्रायल विचार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो खतरा डीसी रेल लाइन पर मंडरा रहा है वो उससे अब दूसरी जगह परिचालन किया जाएगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा, उसके लिए अधिकारी अब कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए।